नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, अब हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर संचिता लिखी सिंह जुड़ गई हैं। संचिता जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते। तो संचिता जी से जानते हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, टैरो में आपका क्या कार्ड संकेत देते हैं कि क्या कुछ खास होगा। और शुरुआत मेष वृषभ मिथुन आपसे करेंगे, और मेष सबसे पहले आपके लिए जानते हैं जी। तो सबसे पहले हम मेष राशि के लिए यहाँ पे कार्ड निकाल लेते हैं। तो मेष राशि का जो कार्ड आ रहा है, ये डेविल का कार्ड आ रहा है। ये बोल रहा है आज का जो दिन है, आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिनसे भी आप मिल रहे हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे जेलेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए। और बोल रहा है कहीं ना कहीं जिससे भी आप मिल रहे हैं, आपको जो भरोसे का आदमी लगता है उसी से हम अपनी मन की बात करें, अपनी इच्छाएँ जो हैं वो हर किसी से अभी शेयर नहीं करनी चाहिए। बोल रहा है कहीं ना कहीं आप चीज़ों में थोड़ा सा फंस सकते हैं, तो आज का जो दिन है मैं बोलूँगी थोड़ा सा जो है ऐसे लोगों से आपको दूरियाँ बनाए रखनी चाहिए। और कम से कम अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो काम भी आपके अटक सकते हैं। किसी भी तरीके के आप पैसों का लेन देन की बात करें या आपकी हेल्थ की भी बात करें, तो थोड़ा सा जो है आज आपको रिलैक्स ही करना चाहिए। कोई भी बड़ा काम आज के दिन ना करें, क्योंकि वो काम आपका अटक सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी हेल्थ पर ही आज आपको करना चाहिए। आपके लिए मैं बोलूँगी काला रंग जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, और वाइट कलर जो है वो ही आपके लिए अच्छा रहेगा जी। वाइट कलर आपके लिए अच्छा है, काला रंग आपको अवॉइड करना है। मेष राशि, वृषभ राशि अब आपके लिए जानते हैं जी। इनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो इनका जो कार्ड आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है हमारे टैरो में। ये द वर्ल्ड का कार्ड है, कि मतलब जो दुनिया है वो आपकी मुट्ठी में है, जो आपका लक है वो बहुत स्ट्रांग है आज के दिन। तो मैं बोलूँगी जो भी आज आप काम कर रहे हैं, चाहे करियर की बात हो या पर्सनल लाइफ की भी बात हो, तो सब में मुझे सक्सेस जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ मैं बोलूँगी अगर कोई बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आज का दिन उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, कि पढ़ाई में उनका बहुत अच्छा मन लगेगा। अगर वो कोई एग्जाम देते हैं आज के दिन, तो उसमें भी लक उनका साथ जरूर देगा। आपके लिए मैं बोलूंगी नीला रंग जो है बहुत अच्छा रहेगा जी। नीला रंग आपके लिए अच्छा है, लक भी आपका साथ देने वाला है। वृषभ राशि, मिथुन राशि अब आपके लिए बताते हैं कि क्या कुछ कार्ड्स कहते हैं जी। इनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो इनका जो कार्ड आ रहा है, ये जस्टिस का कार्ड आ रहा है, कि बोल रहा है कि आपके अगर कोई लीगल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अगर कोई केसेस आपके चल रहे हैं, तो आज के दिन जो है कोई अच्छी खबर आ सकती है, थोड़ी हमें केसेस में राहत मिल सकती है। तो ये जो आज का दिन है वो लीगल इशूज़ के साथ साथ, अगर मैं और आपकी हेल्थ की बात करूँ, तो बोल रहा है हेल्थ में थोड़ा सा अप डाउन रह सकता है, क्योंकि जहाँ हमारा स्ट्रेस होता है वहाँ हमारी हेल्थ जो है थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो आज का जो दिन है आपके लिए भी मैं बोलूँगी हेल्थ पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा एग्जर्शन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, कि जो थकान है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसका आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ पे आज आप ध्यान रखें। आपके लिए मैं बोलूँगी लाल रंग बहुत अच्छा रहेगा। तो मिथुन राशि आपके लिए भी हमने जाना कि क्या कुछ खास है, और तीन राशियों की बात हो गई। कर्क सिंह कन्या हम आपके लिए जानते हैं, और कर्क सबसे पहले आपके लिए जी। जो कर्क राशि है उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो कर्क राशि का जैसे क्वीन का कार्ड आ रहा है, तो बोल रहा आज का जो दिन है आपका आराम से बीतने वाला है। जैसे क्वीन आराम से बैठी होती है और जैसा वो सोचती है वैसी चीज़ें हो जाती हैं, तो बिल्कुल आपकी लाइफ जो है आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अगर आज आपने कुछ सोचा है कि ये काम मुझे करने हैं या ये रास्ते पर मुझे जाना है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, उस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो सक्सेस है वो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ जैसे हम कॉइन देख सकते हैं, तो करियर में भी अगर हम बात करें, तो आज आपका दिन जैसे आपने सोचा है कि सुबह उठ के मेरे को ये चार काम करने हैं, तो वो चार काम आपके ज़रूर हो जाएंगे, और जैसे आपने सोचा है आपका दिन वैसे ही जा रहा है। हेल्थ की अगर हम बात करें, तो हेल्थ में भी मुझे स्टेबिलिटी जो है वो बनती दिखाई दे रही है। आपके लिए मैं बोलूँगी पिंक कलर बहुत अच्छा रहेगा जी। पिंक कलर आपके लिए अच्छा है, और आपकी हेल्थ भी जो है वो सही होती हुई दिखाई दे रही है। कर्क राशि, सिंह राशि अब आपके लिए जानते हैं जी। जो सिंह राशि है उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो सिंह राशि का जिसे कार्ड आ रहा है, बोल रहा है आज का जो दिन है वो बहुत पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है, कि कोई आपसे मिलने आ सकता है, कोई बहुत समय बाद अगर आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं, किसी आपके करीबी से मिल रहे हैं, तो उनके साथ एक अच्छा समय जो है वो मुझे बिताते हुए आप दिख रहे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है जो भी आज आपसे मिलने आ रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही खास इंसान है आपकी लाइफ में, जिनके
साथ आपकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है। साथ ही साथ अगर हेल्थ की बात करें तो मुझे दिख रहा है आज आपका मन बहुत खुश है, आज आपका दिन बहुत पॉजिटिव जा रहा है, तो हेल्थ जो है वो भी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए मैं बोलूँगी हल्का नीला रंग बहुत अच्छा रहेगा। जी, हल्का नीला रंग आपके लिए अच्छा है और साथ ही साथ हेल्थ जो है वो भी आपकी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। सिंह राशि आपके लिए जान लिया, अब कन्या राशि आपके लिए जानते हैं। जी, जो कन्या राशि है उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो कन्या राशि का जो कार्ड आ रहा है ये सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है हमारे टैरो में। ये 10 स्टार कार्ड माना जाता है जिसमें इतने सारे सितारे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बोल रहे जितने ज़्यादा सितारे हैं उतने ज़्यादा पॉजिटिविटी और उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है कि बोल रहे थोड़ा सा आप अपने आस पास पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दें। कई बार हम घर से निकलते हुए ऐसे सोचते हुए निकलते हैं आज तो मेरे को लेट ही होना है तो हम लेट ही हो जाते हैं, पर अगर हम पॉजिटिव सोच के निकले कि आज तो मैं समय पे पहुंच ही जाऊंगा जैसे तैसे, तो कहीं ना कहीं समय जो है वो भी हमारा साथ दे देता है। वैसे ही आज का जो दिन है बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हुए निकलेंगे तो आपके सारे काम जो है वो ज़रूर बन जाएंगे। आपके लिए मैं बोलूँगी येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा। जी, येलो कलर आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव रहिए तो आपके काम भी आपको बनते हुए नज़र आएंगे। और आप चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 राशियों की बात हो गई तो तुला वृश्चिक धनु आपके लिए जानते हैं। तुला आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं देखते हैं। जी, जो तुला राशि है उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो तुला राशि का जो कार्ड आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। जैसे हम देख सकते हैं एक आदमी है उनके हाथ में एक तलवार बनी हुई है, तो बोल रहा है आज का जो दिन है कहीं ना कहीं जो आपसे बड़े हैं आपके जो सीनियर्स हैं या आपके कोई बॉस हो सकते हैं, आपके घर में कोई बड़े हो सकते हैं, उनकी जो बात है वो आपको ज़रूर माननी पड़ेगी कि आप उनकी बात जो है टाल नहीं पाएंगे क्योंकि वो जो है आपसे बड़े हैं उम्र में और कहीं ना कहीं जो है आपके सीनियर है, तो आप उनकी बातों को टाल नहीं पाएंगे, साथ ही साथ उनको निराश नहीं होने दे सकते। वो भी कार्ड्स में आज आपके आ रहा है। तो आपके लिए मैं बोलूँगी रेड कलर बहुत अच्छा रहेगा कि ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में उनके सामने आप अपनी बड़ी बात भी अच्छे से रख पाए, तो रेड कलर जो है वो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। जी, रेड कलर आपको पहनना चाहिए और अपनी मन की बात अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको कैसे रखनी है ये भी आपके लिए तुला राशि बताया। वृश्चिक राशि अब आपके लिए जानते हैं। जी, तो इनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो इनका जो कार्ड आ रहा है ये एडजस्टमेंट का कार्ड आ रहा है कि आज का जो दिन है आपको सबके साथ मिलजुल के चलना पड़ेगा, चाहे आपके काम की बात हो या आपके घर की बात हो। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बोल रहा है कि आज का जो दिन है आपको थोड़ा सा सबके साथ मिल के चलना पड़ेगा। हो सकता है आपको दूसरों की खुशी के लिए आज आपको कुछ काम करना पड़े कि सबके साथ मिलजुल के सबको खुश रख के आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बोल रहा है हो सकता है आपका मन भी ना करे पर कई बार दूसरों की खुशी के लिए करते हैं कुछ, तो खुद को भी मन में प्रसन्नता ज़रूर होगी। आपके लिए भी मैं बोलूँगी कि लाल रंग जो है रेड कलर बहुत अच्छा रहेगा। जी, लाल रंग रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं और धनु राशि अब आपके लिए जानते हैं। जी, जो धनु राशि है उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो जो धनु राशि का कार्ड है अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं आज जो है आप मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मन में जो है बहुत कुछ वो चल रहा है आपके और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके थोड़ा सा मन जो है आपका उदास है। साथ ही साथ अगर हेल्थ की बात करें तो बोल रहा है हेल्थ में भी थोड़ा सा आज डाउन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत हो या हेल्थ पे जो है आपको आज पूरा फोकस रखना है। जैसे हम कार्ड्स में देख सकते हैं यहाँ एक बेड बना हुआ है, ये आदमी है जो बहुत दुखी दिखाई दे रहा है, तो बोल रहा है आज का जो दिन है थोड़ा सा मानसिक परेशानियाँ बढ़ सकती हैं और उसी वजह से आपकी हेल्थ पे भी आ सकता है। तो कोशिश करें छोटी छोटी बातों पे इतना स्ट्रेस ना ले, इतना परेशान ना हो कि आपकी हेल्थ ही खराब हो जाए। आपको जो है काला रंग जो है वो आज अवॉइड करना चाहिए और वाइट कलर जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, और संचिता जी अब आखिरी 3 राशि हैं मकर कुंभ मीन, उनके लिए जानना चाहेंगे और मकर के लिए सबसे पहले। जी, जो मकर राशि है उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो मकर राशि का जो कार्ड आ रहा है ये सपोर्ट का कार्ड आ रहा है कि आज का जो दिन है अगर हम करियर की बात करें तो अगर आपको किसी भी तरीके की सलाह चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आपके जो भी करीबी हैं उनके जो साथ है वो आज मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप फैमिली से कोई सपोर्ट चाहते हैं तो वो भी आज आपको मिल जाएगा। आपकी हेल्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हेल्थ में भी अगर आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, अगर
आपके कोई दोस्त है या कोई डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो बोल रहा है आज के दिन जो है आपको सही गाइडेंस जो है वो ज़रूर मिलेगी, चाहे आपके करियर में हो या हम हेल्थ की बात करें, तो जो गाइडेंस है आज आपको ज़रूर लेनी चाहिए कि उससे हमें फ़ायदा ज़रूर होगा। आपके लिए मैं बोलूँगी येलो कलर अच्छा रहेगा। जी, येलो कलर आपके लिए अच्छा है, गाइडेंस आपको मिलेगी। और कुंभ राशि आपके लिए क्या है देखते हैं। जी, तो इनके लिए भी हम एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो कुंभ राशि का जो कार्ड है बोल रहा है आज का जो दिन है आपसे मिलने कोई आ सकता है, और साथ में जैसे हम ये कॉइन दिखाई दे रहा है तो बोल रहा है फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई छुपी हुई अपॉर्चुनिटी जो हम बोलते हैं टैरो में वो आज आपको मिल सकती है, कि हो सकता है किसी की मदद करते हुए हमें भी कोई अच्छा मौका वहाँ पे मिल जाए। तो आज का जो दिन है आपको किसी की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम दूसरों की मदद करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे को भी कुछ फ़ायदा उससे ज़रूर मिलता है। अगर आपको लगता है कि आज कोई आपसे मिलने नहीं आ रहा है या कोई मौका नहीं मिल रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कुछ चीज़ दान में भी दे सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स में बोल रहा है आज आप किसी की मदद करेंगे तो हमें भी मदद ज़रूर मिलेगी। तो आज का दिन अगर आप कुछ दान में देते हैं, जैसे आप कोई कपड़े दान में देते हैं, तो भी आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपके लिए मैं बोलूँगी हरा रंग अच्छा रहेगा। जी, और आखिरी राशि मीन राशि है, और मीन राशि के लिए जानते हैं उनके लिए क्या खास है। जी, इनके लिए भी हम एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो जो मीन राशि है उनका सन कार्ड आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आज आपके दिन में मुझे दिख रही है, कि जैसे आपके कोई करीबी है जिनकी शादी तय हो सकती है या हो सकता है आप किसी शादी में आज के दिन जाए, कि सब परिवार मिलके जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत हैप्पीनेस और परिवार में एकता मुझे आज के दिन दिखाई दे रही है। तो ये जो दिन है आपका और अच्छा होने वाला है पर्सनल लाइफ में। साथ ही साथ हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी मुझे बहुत अच्छा हैप्पीनेस और इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखाई दे रहा है। आपके लिए मैं बोलूँगी ऑरेंज कलर अच्छा रहेगा। तो राशियों के बारे में बताया संचिता जी ने कि कैसे आपका दिन अच्छा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संचिता जी, नमस्ते। तो फिलहाल के लिए शो में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।